हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मैं अपने चैनल माई ट्रू सपोर्ट में आपका एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैमसंग के किसी भी मोबाइल में आप कस्टम रिकवरी यानी कि TWRP रिकवरी को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सैमसंग के गैलेक्सी A7 2017 मॉडल में कस्टम रिकवरी यानी कि TWRP को इंस्टॉल करने वाला हूं। चलिए खैर, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं कि हम ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फ्यूचर में मैं आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि मैं रोजाना एक ऐसी वीडियो लाता हूं जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए खैर, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन में या कोई भी आप जो भी फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जिसमें आप कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो चलिए खैर, मैं आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। दोस्तों, अगर आप अपने सैमसंग के किसी भी मोबाइल में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले ऑडिन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ये होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास सैमसंग के ड्राइवर होने चाहिए। और तीसरे नंबर, आप जिस फ़ोन में भी आप TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी फाइल आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल मैं इस वीडियो में सैमसंग के A7 2017 मॉडल के अंदर TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करने वाला हूं। तो फिलहाल मेरे पास सैमसंग का जो मॉडल A7 2017 वेरिएंट है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी कस्टम रिकवरी है। इन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब खैर, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं सारा प्रोसेस कि आखिर हमें ये सब करना किस तरीके से। जैसा कि दोस्तों, आप मेरे हाथ में इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी A7 2017 मॉडल देख रहे हैं। आप इसको गौर से देख लीजिए, ये सैमसंग गैलेक्सी A7 2017 मॉडल है। अब आपको इसके अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप करनी होगी, वो सबसे पहले करना क्या है आपको, कि आपको सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाना है। चलिए खैर, हम इसमें सेटिंग के अंदर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख चुके हैं, मैं सेटिंग के अंदर आ चुका हूं और सेटिंग में आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। और अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आप और से यहां पर पहले देख लीजिए कि गैलेक्सी A7 2017 मॉडल है, और यहां पर आपको आगे जो प्रोसेस करना है वो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाने के बाद में आपको बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार क्लिक करना है, जिससे कि आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाए। और जैसे ही आप नीचे गौर से देखें तो यहाँ डेवलपर ऑप्शन आपका आ चुका है। और यहाँ आने के बाद आपको OEM अनलॉक इसको इनेबल करना है। और इसको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन और होगा, स्क्रॉल करना है आपको। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको यहाँ USB डीबगिंग इसको ऑन करना है। जैसे ही आप ये दो काम कर लेते हैं तब आपको आगे बढ़ना है। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे आपको करना क्या है, अब दोस्तों इसको करने के बाद आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद में यहाँ आपको 3 बटन दबाने हैं, एक पावर बटन, एक वॉल्यूम का डाउन बटन और एक होम बटन। इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने के बाद में आपको अपने फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड में ले जाना है। खैर, इसको करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना है। चलिए हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ करते हैं। जैसे दोस्तों आपका फ़ोन कम्प्लीटली पावर ऑफ हो जाए, तब आपको एक साथ पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और होम बटन तीनों को एक साथ प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आपको ये अपने फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड में लेके आना है। चलिए खैर, हम करते हैं। जैसा कि दोस्तों अब यहाँ एक स्क्रीन आ चुकी है, और स्क्रीन आने के बाद में यहाँ आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम अगर आप अप बटन दबाते हैं तो आपको कंटिन्यू करना है, और वॉल्यूम डाउन पे आपको रिस्टार्ट करना है। लेकिन हमें वॉल्यूम अप बटन दबाकर इसको डाउनलोडिंग मोड में लेके जाना है। जैसा कि मैंने देखा, मैंने वॉल्यूम अप बटन दबाया तो यहाँ डाउनलोडिंग मोड में आ चुका है मेरा फ़ोन। और अब आपको आगे का काम जो करना है वो क्या करना है, कि आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन को अपने PC या लैपटॉप से, जो भी आपके पास है जिससे आप ये अपना काम कर रहे हैं, उससे आपको इसको कनेक्ट करना है। चलिए हम अपने फ़ोन को अपने PC या लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख चुके हैं, मैंने अपने
फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है और अब आ गया काम हमें अपने लैपटॉप पर करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ओडिन को ऑन करना है। और ओडिन को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो यहां आप गौर से देखें कि यहां पर यहां एडिट का एक ऑप्शन आ चुका है। ये एडिट का ऑप्शन तभी आएगा जब आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दोगे। अब इसके बाद में आपको एपी सेलेक्ट करना है और एपी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो TWRP आपने इंस्टॉल करी थी, वो डाउनलोड करी थी, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ भी आपने अपने लैपटॉप या पीसी में रखी है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद ये आपको इसमें ओडिन में इसको लेना है। तो ओडिन में जैसे आप लेते हैं तो आप फिर उसके बाद आपको ऑप्शन में आना है, ऑप्शन में ऑटो रिबूट को अनचेक करना है, और अनचेक करने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ऊपर और से यहाँ पास का ऑप्शन आ चुका है। अब आपकी जो कस्टम रिकवरी है, TWRP रिकवरी है, वो आपने आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ से इसको एग्जिट कर दीजिए। जैसे आप इसको एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट करने के बाद आपको आप अपने फ़ोन को अपने पीसी से या अपने लैपटॉप से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और डिस्कनेक्ट करने के बाद में अब आपको करना क्या है कि वही फिर से प्रोसेस करना है कि पावर बटन और ये वॉल्यूम डाउन बटन और ये होम बटन तीनों को एक साथ प्रेस करना है। और जैसे ही आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है आपको वॉल्यूम डाउन बटन को छोड़कर तुरंत वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कर दबाना है, लेकिन बाकी के तीन बटन, जो बाकी के पावर बटन और जो होम बटन थे उनको नहीं छोड़ना है। केवल आपको वॉल्यूम डाउन बटन को छोड़कर आपको वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं तो आपकी TWRP आपके सामने होगी। जैसा कि आप गौर से देखें, मेरे फ़ोन में कस्टम रिकवरी यानी कि TWRP इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब आप इसको मैनेज कर लेते हैं। चलिए खैर, मैं यहाँ सेटिंग में जाकर पहले इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ। आप भी सबसे पहले जब आप अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम जो है आप इसको इसकी ब्राइटनेस को कम कर लें। इसका होगा ये फ़ायदा कि जब भी आप फ्यूचर में कस्टम रिकवरी के अंदर एंटर करोगे तो ये कस्टम रिकवरी आने में बहुत कम टाइम लेगी। अगर आपकी ब्राइटनेस फुल होगी तो वो थोड़ा आने में वक्त लेती है। जैसा कि मैंने अब देखा, आप गौर से देखें तो मैंने अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो कम कर दी है। अब आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर ये आपके सामने कस्टम रिकवरी मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। और जैसा कि आप फ़ोन को एक बार फिर से आप देखें तो ये सैमसंग गैलेक्सी A7 2017 मॉडल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया है आपको ये वीडियो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और आपके समझ में अभी भी कुछ भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम कमेंट करने के आपकी कमेंट को पढ़ते हैं और आपको कमेंट का हम ज़रूर से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप मेरे फ़ोन की मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और ये और से मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ कि ये सैमसंग गैलेक्सी A7 2017 है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।